SPN9 न्यूज। आज जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर हिंसा देखी जा रही है, जहां लगातार इस हिंसा को देखते हुए जो वहां पर 5 जनवरी को ABVP के छात्र घुस आए थे, जहां पर उन्होंने एक हॉस्टल का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे और छात्रों पर ताबड़तोड़ हमला बोलते रहे, छात्रों को टारगेट बनाया और एक तरीके से उनके सर पर वार किया, उन्हें जख्मी किया। एक छात्र नहीं, दो छात्र नहीं, करीबन 20-30 छात्र बताए जा रहे थे ज़्यादा। और आपको बता दें कि एक हॉस्टल में नहीं, वो साबरमती हॉस्टल में गए, पेरियार हॉस्टल में गए, कावेरी हॉस्टल, इन सभी हॉस्टल में उन सभी दंगाइयों ने दंगा फैलाया। लगभग 200-300 छात्र थे जो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे और लगातार अपने आप को बचाते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षित जगहों पर छुपते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें हॉस्टल के कमरों में भी ये दंगाई घुस आए थे, वहाँ तोड़फोड़ की थी और छात्र को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते हुए उन्हें पीटते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि JNU छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के सर पर भी वार की गई थी। उसको वार करने के बाद सामने आया कि ABVP का मसला था, ABVP के छात्रों ने ये हिंसा फैलाई थी, मारपीट की थी। अब इसी को लेकर ABVP के अगेंस्ट और JNU के समर्थन में कई यूनिवर्सिटी सामने आई, सब उनका समर्थन करते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और सरकार की आंख खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी मुंबई में वहां विरोध देखा जा रहा था, JNU के समर्थन में धरना दिया जा रहा था, कुछ छात्र धरना दे रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, ये धरना था लेकिन अब वो हटा दिया गया है, जो आज़ाद मैदान में इन सभी स्टूडेंट को शिफ्ट कर दिया गया है, जबरन इनको उठाया जा रहा था और आज़ाद मैदान में शिफ्ट किया जा रहा था। ऐसे में जब तक गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ पर एक अजीब ही तस्वीर देखने को मिली थी, वहाँ पर कुछ छात्र कश्मीर फ्री का पोस्टर लेकर खड़े हुए थे। कश्मीर फ्री यानी कि वो कश्मीर की आज़ादी चाहते थे, कश्मीर को मुक्त करना चाहते थे इन सभी राजनीतियों से और इन सभी कानूनों से। अब ऐसे में सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब आपको बता दें कि जहां सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके घर में, आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, जहाँ कश्मीर को मुक्त करने की बात की जा रही है, छात्र पोस्टर लेकर वहाँ पर धरना धरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते साफ तौर पर से कि एक लड़की पोस्टर लेके खड़ी है और उस पर कश्मीर फ्री की बात करती है। तो अब ऐसे में BJP कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया और निशाना साध दिया। आपको बता दें पूर्व BJP सांसद किरीट सौम्या कल गेटवे ऑफ इंडिया पर JNU के नाम पर जो प्रदर्शन हुए, जिसमें भारत विरोधी, देश विरोधी नारे लगाए गए, कश्मीर को चाहिए आजादी, फ्री कश्मीर, और उसमें सहभागी कौन हुए? ठाकरे सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मैंने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से शिकायत की है, कंप्लेंट दी है, और इसको परमिशन थी या नहीं थी इसके संबंध में जांच हो और कार्रवाई की मांग की है। मुंबई पुलिस ने जांच करेंगे ऐसा आश्वासन मुझे दिया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि जरा सुनिए उद्धव ठाकरे, ये क्या हो रहा है, आपके घर में कुछ लोग कश्मीर के पोस्टर लेकर सामने आ रहे हैं, मसला तो कुछ और चल रहा था, JNU का समर्थन हो रहा था, लेकिन कश्मीर का मुद्दा कहाँ से आ गया, आपने क्या इसको देखा? अब ऐसे में उन्होंने उन छात्रों के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। उन्होंने मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर विनय चौबे को FIR दर्ज करने के लिए कहा, लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। अब आपको बता दें कि मसला कहीं ना कहीं कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि कुछ छात्र ऐसे भी थे जो वो ये बता रहे थे कि उन्हें सिर्फ धर्म के आधार पर भी टारगेट किया जा रहा था,
उनको उनके नाम पूछकर, धर्म पूछकर, जाति पूछकर उन पर प्रहार किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा कश्मीर को टारगेट बनाया जा रहा था, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा था, उनको ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते हुए उन पर हथियार से वार किया जा रहा था। ये छात्रों का स्टेटमेंट है, खुद छात्र ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये क्या कश्मीर से जुड़ा हुआ है या जेएनयू का मामला कुछ और है, या ऐसे में उद्धव ठाकरे सच में मुश्किलों में घिर गए हैं, या बीजेपी अब एक नया पैंतरा लेती हुई दिखाई दे रही है? क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें SPN9 न्यूज़।